उनको हमने एक आध चने खराब थे उनको हटा दिया है और ये हमने भिगो लिया है छोले। ये मैंने सुबह भिगोया था, शाम का वक्त है इस समय, हम शाम में छोला बना रहे हैं। तो देखिए कितने अच्छे से भीग गए हैं, मैंने सुबह वही कम से कम 9 या 10 बजे भिगोया होगा, बढ़िया से भीग गए हैं। तो सबसे पहले इन छोलों को हम धो लेंगे अच्छे से, 2-3 बार पानी से धुल लेंगे। तो ये मैंने कम से कम 3 बार पानी से धुल लिया है, बढ़िया साफ हो गए हैं। गर्मी का मौसम है तो जैसे हम लोग चने भिगो देते हैं तो थोड़ा सा उनमें एकदम चने जब फूलते हैं तो झाग जैसी बन जाती है, तो इनको अच्छे से धुलना बहुत जरूरी है वरना ये महकने लगते हैं। तो इसलिए हमने 3-4 पानी से धुल लिया है और अब लेते हैं कुकर। तो हम ये छोला बिना तेल का बना रहे हैं, तो देखते जाइए हम इन्हें किस तरह से बनाएंगे। तो सारे छोले हम डाल देते हैं अपने कुकर में। अब आप लोग सोच रहे होंगे बिना तेल का छोला कैसा लगता है, मैं आपको बना के दिखाऊंगी और एक बार हमारे तरीके से आप लोग बनाना, देखिए कितने अच्छे छोले बनते हैं। सिचुएशन कभी कभी ऐसी आ जाती है कि हमारे घर में छोले पड़े हैं तो कभी कभी तेल नहीं होता है और ये लगता है कि अब हम बनाएं तो ये आ गया। वैसे तो सिटी में ऐसा नहीं होता है, गांव में कभी कभी हो जाता है। तो इस तरह से हम बना के दिखाएंगे तो सभी लोगों को बनाना बहुत आसान रहेगा। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे, एक मग और डाल देते हैं। ये 2 मग पानी पड़ गए और इसमें डालते हैं कुछ खड़े मसाले हैं। ये देखिए 2 तेजपत्ता छोटे छोटे, 1 अनार के छिलके का टुकड़ा है ये मैं सुखा के रख ली थी, और 4 लौंग है, 1 बड़ी इलायची, 5-6 7 काली मिर्च हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 छोटे छोटे, 2 काली हरी इलायची हैं छोटी वाली। तो इनको सबको इनमें डाल देते हैं। ये अनार का टुकड़ा हमने डाला है, मैंने टिप्स बताई है आप लोगों को कि किस लिए डाला है। और इसमें अब डालेंगे हींग। तो हम बिना तेल का बना रहे हैं तो सारे मसाले इसी स्टेज पर पड़ जाएंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में लेते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च लेंगे तीखा वाला मिर्च, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। और इसमें थोड़ा सा अभी गरम मसाला डालेंगे और इसमें नमक डाल देंगे स्वादानुसार। अभी मैंने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला है, हम लहसुन प्याज भी डालेंगे लेकिन उसको कच्चा नहीं डालेंगे, तो वो भी देखते जाइए हम उसे कैसे डालेंगे। और अब इस कुकर को बंद कर देते हैं, बंद करके हम इसको चढ़ा देते हैं गैस पे। गैस पे चढ़ा दिया, 1 सीटी हम हाई फ्लेम पे लगाएंगे, इसके बाद 4 सीटी हम बीच की आंच में लगाएंगे, फिर हम खोलेंगे इसको, तब हम इसमें लहसुन प्याज डालेंगे। तो इसके लिए हमने लिए हैं लहसुन प्याज हरी मिर्च। तो इन सबको हम कच्चा नहीं डालेंगे, लेकिन इसको भुनेंगे कैसे ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसका पार्ट ये वाला निकाल देते हैं, छिलका नहीं निकालेंगे, ये निकल गया। और इनको हम बीच से छीड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा अलग नहीं करेंगे हम इनको, ऐसे ही रहने देंगे। तो हमने थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाला है, तो मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। ये हो गया, अब गैस चलाएंगे और ये रखेंगे छन्नी जिसमें हम परवल हमने भुने थे, इसी में ये प्याज रख देते हैं और इसी में ये मिर्च डाल देंगे और ये डाल देंगे अपने लहसुन। इनको हम भून लेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक, प्याज थोड़ा सा भुन जाएगा तो कच्चा कच्चा नहीं लगेगा। तो इनको हल्का सा चलाते हुए हम भूनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो मिर्च हैं वो भून चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं और प्याज इसी में रख देते हैं। प्याज को हमें थोड़ा और भूनना है,
लहसुन हमारा भून चुका है, इसको और भून लेते हैं। देखिए भून गए हैं बढ़िया, इससे महक आने लगे तो गैस को बंद करते हैं और इसको इसमें निकाल लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद हम इनको छीलेंगे। तो प्याज हमारे ठंडे हो चुके हैं तो हम इनके ऊपर का छिलका निकाल देते हैं इस तरह से। मैंने ये प्याज धुल के लिया था तो हमें अब धुलने की इन्हें ज़रूरत नहीं है, धुल के मैंने रख दिया था डलिया में तो इनका पानी सारा निकल गया था। ये अगर हम धुल के भूनते तो इसमें पानी थोड़ा सा पानी छूटता, इसलिए जब भी आप प्याज को भूनें तो पहले से धुल के रख दें तो बाद में धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितनी आसानी से छिलका इनका निकल रहा है, ये लीजिए। और इनका ये वाला पार्ट हटा देंगे। हट गए, अब इसको डालते हैं। ये हमने लिया है चॉपर, तो अब इसके हम टुकड़े कर देंगे। इस तरह से डालने से रहता है कि कच्चा प्याज नहीं हमारा, जैसे हम छोले में डालेंगे हम ऐसे अगर डाल देंगे तो कच्चा कच्चा महकेगा, तो इस तरह से थोड़ा सा भून लें तो ये कच्चा नहीं महकता है प्याज। वैसे खाने को तो हम लोग प्याज ऊपर से खाते हैं कच्चा, लेकिन सब्जी में कभी कभी महक आ जाती है कि कच्चा प्याज लहसुन की तो किसी किसी को नहीं पसंद है। तो ये सारे हम काट लेते हैं, ये भुन गए हैं तो थोड़ा सा काटने में रपट रहे हैं, तो आराम से काटें, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी ना करें। ये काट लिया और ये वाला सारा इसी में डाल देते हैं और इसको हम चॉप कर लेंगे। थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा बारीक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमारी चॉप हो गई हैं, तो ये वाला निकाल लेते हैं ब्लेड इसका और इसको इसी में रखे रहने देंगे। तो देखिए एक सीटी आने वाली है, हम इसको धक्का दे देंगे। प्रेशर को खत्म होने तक वेट करते हैं। प्रेशर खत्म हो गया है, अब हम अपने छोले उतार के देख लेते हैं। छोले हमारे पक गए हैं बढ़िया से, ये देखिए फट भी गए हैं, आपको जूम करके दिखाते हैं हम, ये देखिए अच्छे से। तो अब इसमें हम ये सारे मसाले डाल देते हैं जो मैंने क्रश करके रखा था, लहसुन प्याज हरा मिर्च ये सारे डाल देते हैं। मैंने लहसुन प्याज का क्रश किया हुआ डाल दिया और अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर। इससे थोड़ा सा खट्टापन आएगा और ये ड्राई जिंजर पाउडर ये डाल देते हैं, कसूरी मेथी डाल देते हैं और इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे और इसमें हम दो सीटियां और लगा देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और ये अभी से कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। थोड़ा सा इसको इस तरह से हम मैश कर देंगे कुछ चने, तो ये बंद जाएगा, रसा गाढ़ा हो जाएगा इसका। तो ये जो मैंने लहसुन प्याज का पेस्ट डाला है, पेस्ट नहीं जो मैंने क्रश करके डाला है, इसको थोड़ा सा हम पकाने के लिए एक या दो सीटी हम और लगा लेंगे इसमें। आंच को हम बीच में कर देते हैं। दो सीटी लग गए हैं, प्रेशर भी खत्म हो गया है। तो अब हम अपने छोले चेक कर लेते हैं।
खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है हमारे छोलों से। ये देखिए कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमारे छोले बन के तैयार हो चुके हैं, अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।